Watching CTN television of Pakistan. Catch the nations. Hallelujah! 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 Jesus, we honor you. We worship you. We worship you, mighty God. We worship you. We worship you, Lord. It's done now. So make it over here. Glory to the Lord. Hallelujah. जीसस, खुदा शुक्र अदा करते हैं आज के इस मौका के लिए इस वक्त के लिए कि तूने हमें यहां तक पहुंचाया इस इबादत का सारा चार्ज और क्रेडिट तुझे मिले और यह जिंदगी कलाम से बरकत पाए यीशु के नाम में आमेर मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से दो हवाला जात रखना चाहता हूं सबसे पहले लूका की अंजील पहला बाप और उसकी पैंतीसवीं आयत से आप मेरे साथ बाइबल मुकदस में देख भी सकते हैं लोका की अंजील पहला बाप और इस आयत को मैं छब्बीसवीं आयत से पढ़ूंगा लेखा के छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरा था एक कवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कवारी का नाम मरियम था और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है खुदावन तेरे साथ है वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है फरिश्ता ने उससे कहा आए मरियम खौफ ना कर क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यस्सु रखना वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावन, खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वह यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा मरियम ने फरिश्ता से कहा यह क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती हूं फरिश्ता ने जवाब में उसे कहा कि रोहल कुछ तुझ पर नाजल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सब से वो मालूद मुकदस खुदा का बेटा कहलाएगा आमेर आए खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू। लॉर्ड। सो there was अ क्वेश्चन मुकदसा मरियम का सवाल यह था कि यह कैसे होगा क्योंकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती सुफरिश्ते का जवाब ये था कि रोहल कुछ पर नाजल होगा अमेन कौन नाजल होगा होली स्पिरिट किस किस को मेरी आवाज आ रही है आज हम खुदा की हजूरी से फर्क नहीं बैठे हुए अगरचा क्रिसमस है क्रिसमस का मतलब है हम खुदा की हजूरी में ज्यादा बैठे हैं अमेन फरिश्ता ने जवाब दिया रोहल खुश तुझ पर क्या होगा नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मालूद मुकदस खुदा का बेटा कहलाएगा अमेन और इस जवाब ने बहुत सारे सवालों को समेट दिया बहुत सारे सवालों को हमारे लिए सबसे बड़ा निशान यह है कि कवारी हमला हुई है और उसका जवाब यह है कि रोहल कुछ के वसीला से उसने ये कंसीव किया है और जो यीशु है वो मालुद मुकदस है जब कोई बच्चा पैदा होता है तो चीले तक चालीस दिनों तक उसे और उसकी वालदा को नपाक हालत में गिना जाता है लेकिन यहां पर बाइबल बताती है कि वो मालूद मुकदस है पदाइश के पहले दिन से ही वो पाक है और उसमें कोई नपाकी नहीं और उसका नाम यसु मसीह है लेकिन आज इस मैसेज का पूरा मोटो यह है कि हम रुहल कुछ पर दें। होली स्पिरिट पर तोज्जा दे जिस वाक्य को आपके सामने पढ़ा गया है यहूदी तारीख बताती है कि उस वक्त मुकदसा मरियम की जो उम्र है वो चौदह साल से प्लस थी और यूसफ जो है वो पंद्रह सोलह साल का था और इस उम्र में एक लड़की जो है वो रुहुल कुछ के बारे में जानती है होली स्पिरिट के बारे में जानती है अभी जो है वो ब्याह शादी की जो उम्र है वो गवर्नमेंट ने 18 साल मुकर की है लेकिन उस दौर में जो जो हम पीछे जाते हैं और बहुत सारे वालदे जिनकी उम्र जो है वो 50 40 या 60 है वो जानते हैं कि पहले दौर में जल्दी शादियां जो है वो कर दी जाती थी यहूदी कल्चर में रवायत में भी ऐसा था और मरियम की जो मंगनी है वो यूसुफ के साथ हो चुकी थी और उस वक्त मंगनी का जो कंसेप्ट मतलब आधी शादी अब तो कई मरतबा लोग मंगनी कहीं और पे रोका कहीं और तेल माइयों कहीं और, और शादी कहीं और और फिर उसके बाद वो खुद कहीं और होते मुख्तलिफ दौरे हाजरा से हम गुजरे लेकिन उस वक्त मंगनी को भी मैरिज के तौर पे, ऑनर के तौर पर कबूल किया जाता था और मरियम जो है उसका मंगेतर जो है वो यूसुफ है और मरियम को भी आंसर मिला है कि रोहल कुछ होली स्पिरिट के सब से यह होगा और अगर हम यूसुफ के बारे में मत्ती की अंजील पहला बाप और बीसवी आयत में देखें तो यूसुफ जो है वो सारी रात जो है बड़ा डिस्टर्ब है उसके जहन में बेशुमार सवाल चल रहे हैं कि जो मेरी बीवी है वो मेरे पास आने से पहले कैसे हामला हो गई है और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा सवाल था इस सवाल ने यसू की पैदाइश को तमाम नबियों और रसूलों से फर्क कर दिया है ये दुनिया के लिए सवाल है जो यूसुफ सोच रहे यूसुफ क्या सोच रहा है कि ये कैसे हामला हो गई है जबकि कोई इसके पास नहीं गया हाउ इट ये उसके लिए बड़ा अमीर सवाल बन गया है दुनिया के लिए यह सवाल है और खुदा चाहता है कि यह सवाल दुनिया में हो ताकि खुदा का पाकरू इसका जवाब दे कि उसका जो बेटा है वो यीशु मसीह है और उसका बाप खुदा है पावरफुल आंसर और यूसुफ के इस सारी उलझन को इस जवाब को कैसे दिया जाता है मरियम जो है वो अपनी खुली आंखों से खुली आंखों से डू यू नो वट हैपन जब यूसुफ को फरिश्ता मिला तो यूसुफ क्या कर रहा था कोई बता सकता कोई बता सकता है यूसुफ क्या कर रहा था सो रहा था यूसुफ क्या कर रहा था कितने लोगों को मेरी आवाज आ रही है जब यूसुफ को जवाब मिला फरिश्ते का तो यूसुफ क्या कर रहा था और उसे क्या आया ख्वाब आया लेकिन जब मरियम के पास फरिश्ता आया तो मरियम सो रही थी वो जागरी थी मरियम को फरिश्ता फेस टू फेस मिला मेरी बात को गौर से सुनिएगा खुदा के रहा करने के कई एक तरीके हैं खुदा का पहला करने का तरीका है फेस टू फेस खुदा रू बू आके मिलता है खुदा ब्राय रास्त कलाम करता है खुदा ब्राय रास्त बोलता है और दूसरा खुदा का तरीका है ख्वाब के जरिए बोलना और यहूदियों को यह भी पता है कि ख्वाब भी आते हैं खुदा ख्वाबों के जरिए भी रता करता है और उन्होंने योइल की किताब में पढ़ा था इस नबूत को कि आखिरी दिनों में खुदा जब अपनी रूह को नाजल करेगा तो रोहल कुछ क्या करेगा हर बशर पर जब वो अपने रूह को भेजेगा तो लोगों को क्या आएंगे ख्वाब आएंगे और वो रोया को देखेंगे ख्वाब आएंगे और रोया को देखेंगे रोहल कुछ ख्वाबों के जरिए कलाम करता है रोहल कुछ रोया के जरिए कलाम करता है और रोहल कुछ बराए रास्त कलाम करता है सो यूसुफ सो गया you know? कई मरतबा जब हम सोते नहीं है तो बोलते रहते हैं अभी देखें कुछ लोग जैसे जब तक आंखें नहीं ना बंद करते वो दुआ नहीं कर सकते क्योंकि कभी उनकी आंखें इधर जाती हैं कभी उधर जाती हैं लेकिन जब आंखें बंद हो तो फिर ध्यान खुदा की तरफ लगता है मेरी बात का so, जब तक यूसुफ़ जाग रहा है वो डिस्टर्ब है डिस्टर्ब है बेचैनी है वो कभी इधर चल रहे कभी उधर वो सोच रहे हैं कि मैं मरियम को छोड़ दूंगा और मैं उसके बाद दो ऑप्शन है या तो वो चुपके से छोड़ दे या फिर उसे बदनाम करे सुनिए यहां पर यूसुफ क्या करता है एक रास्तबास बंदा क्या करता है जब उसके पास दो ऑप्शन हो किसी को बदनाम करना जब उसके बारे में कोई बात पता हो या उसको चुपके से छोड़ देना रास्तबास अच्छा शख्स गुड मैन ईमानदार दुआ करने वाला खुदा को मानने वाला किसी को बदनाम नहीं करता किसी की बात को लेके बदनाम नहीं करता यूसुफ के लिए ये प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम ये थी कि वो मरियम के बारे में अपनी, अपनी जमात में बता सकता है और मरियम को सारा जमाना पत्थर पकड़ के संसार कर सकता है उसे पत्थरों से मार सकता है लेकिन उसके लिए ये प्रॉब्लम थी ईमानदारों के लिए किसी की बेइज्जती किसी के ज़मीर को गंदा कहना किसी के करदार को गंदा करना, प्रॉब्लम है वो बेचैनी में रहते हैं। है। है बदनाम तो कर दू मैं क्या करूं आखिरकार वो फैसला करता है कि मैं उसको छुपके से छोड़ दूंगा छुपके से छोड़ दूंगा दैट्स डिसीजन कुछ लोग अपनी मंगनियों के अपने रिश्तों की तस्वीरें जोड़ जोड़ के रखते हैं और जब किसी का रिश्ता हो तो पहले वाले रिश्ते को फोटो भेजते हैं फिर उसका खत भेजते हैं फिर उसका व्हाट्सएप भेजते हैं ताकि रिश्ते टूटते रहें लड़कियां लड़के बदनाम हो लेकिन यूसुफ देखें, देखे कैसा खुदा परस्त, कैसा खुदा का बंदा कैसा रास्तबाज है कि वो सारी रात इस दुश्वारी और इस उलझन में है कि वो नहीं चाहता कि मरियम बदनाम हो जाए वो नहीं चाहता कि मरियम का सारा कुंभा बदनाम हो और वो क्या करता है कि वो फैसला कर लेता है कि मैं उसको छुपके से और ये फैसला करके वो सो जाता है लेकिन जो वो परेशान था कई मरतबा हमारा जेन साढ़े अपने नाल ही गल करता रहता है जो तो तक असि जागते रहने जेन बोलता बोल रहता है असी बोलते रहने लोगों की सुनते रहने खुदा दी नहीं सुनते यूस ऑफ दी लेसन एक एक मीार है रूहानी मैार है जिसमें आप खुदा को अभी अभी एक मीर है अभी अभी आप खुदा की सुन सकते हैं यह एक आला मीर है खुली आंखों से उसे देखना जागते हुए उसकी आवाज सुन लेना यह एक आला दर्ज है इसका दर्जा बुलंद है एक इससे निचला दर्ज है जब नींद आती है यानी आदम की पसली से जब हवा को निकालना तो उससे पहले क्या दी नींद कुछ लोगों को खुदा अपने काम में अपने मंसूबे में लाने के लिए पहले उन्हें नींद देता है क्योंकि वो चुप नहीं करते उनका ज़ेहन चुप नहीं करता बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं अपनी बातें करते रहते हैं अपना शक अपनी उलझन और यूसुफ भी इस उलझन में था था तो वो ईमानदार खुदा से तो डरता था लेकिन वो इतना ज्यादा अपसेट था कि खुदा की सुनने के लिए तैयार नहीं था फिर उसे क्या की नींद और वो सोने लगा और ख्वाब में उसके फरिश्ता आया और फरिश्ता ने इससे पहले के हम ये देखें फरिश्ता ने क्या कहा वो फरिश्ते का क्या नाम था क्या नाम था जो यूसुफ़ और मरियम के पास फरिश्ता गया वो एक ही था उसका क्या नाम था जरा आवाज से मैं किससे भी पूछ लूंगा अगर कोई मेरी तरफ देख के जवाब नहीं देगा जी क्या नाम था जिब्राइल क्या नाम था जिब्राइल और जिब्राइल का मतलब है खुदा का जोर जिब्राइल का क्या मतलब है खुदा का जोर तीन मुकर्रम फरिश्ते हैं एक मुकर्र फरिश्ता लूसीफर था एक मिकाइल था और एक जिब्राइल है और तारीख बताती है कि खुदा बाप को लूसीफर फरिश्ता पेश करता था वो उसकी नुमाइंदगी करता या उसके आगे आगे सांस बुझाता था और मिकाइल के बारे में बताया जाता है कि ये यस् को पेश करता है यस्ू के आगे आगे चलता था और जिब्राइल के बारे में बताया जाता है कि ये रोहल कुद्स को पेश करता है जिब्राइल फरिश्ता किसकी नुमाइंदगी करता है इसलिए जिब्राइल फरिश्ता के कह रहा हैं रुहल कुछ नाजल होगा होली स्पिरिट आएगा होली स्पिरिट ये करेगा और यूसुफ को भी उसने जवाब दिया है रोहल कुछ ने यह किया है तेरी बीवी को हमला रोहल कुछ ने किया है और उस पर इल्जाम ना लगा उसको गलत ना समझ उस रू का नाम पाक पाक है और वो पाक है उस पर कोई दाग नहीं वो पकीजा है ये पाक ने काम किया है और उसको अपने पास ले आ दिस इज द एंजल इज ये खुदा का फरिश्ता कर रहा है और क्या कह रहा है कि पाखरू ने किया किसने किया मैं चाहता हूं बुलंदबाद से कि पाखरू ने किया कभी कभी हमें लगता है क्रिसमस पर पाखरू ने काम नहीं किया लेकिन पाखरू ने किया है किसने काम किया है किसने कंसीव किया है पाखरू के वसीला से पाखरू ने किया है पाखरू ने किया हाल लू खुदा जहां पर भी काम करता है वहां पर पाखरू काम करता है और याद रखें जिसको बाप बेटा रोहल कुछ समझ नहीं आता वो बाइबल का स्कॉलर नहीं हो सकता वो बाइबल का स्कॉलर नहीं हो सकता बाइबल का स्कॉलर वो है बाइबल का इल्मदान वो है जिसको बाप की समझ है बेटे की समझ है रोहल कुछ उसकी समझ है उस पर मुकाशफा खुल गया है अमेन उसने का पाखरू ने अपना मुंह खोल करके ये पाखरू ने किया है पाखरू ने किया है क्योंकि फरिश्ता बोल रहे पाकरू ने किया है मरियम को कह रहा है पाखरू करेगा वो जमाने को बताना चाहता है ये पाखरू का काम है और पाखरू किसकी है खुदा की रूह है अमेन किसकी रूह है और याद रखे ये जो हम यीशु को कहते हैं जी कलमा मुजस्म हुआ इस कलमे का मतलब सिर्फ लफ्स लफ्ज या अल्फाज का जुमला नहीं है इस कलमे का मतलब शख्सियत है जो मुजस्म हुई है जिसने जिसम किया है सो so, रुहल के वसीला से ऐसा हुआ है किसके वसीला से हुआ है पाखरू के वसीला से अब दूसरी बात पाखरू क्या करता है नंबर वन पाखरू मुकाशवा खोलता है यीशु का यीशु को लोग इलम के जरिए नहीं जान सकते इंसान जो है वो कितना भी साइंसदान हो वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है उसकी साइंसदानी उसका इल्म, उसका फन कहीं कहीं जाके रुकता है क्योंकि वो महदूद है वो स्टॉप हो जाता है और वहां पर जहां पर इंसान रुकता है वहां पे कहता है बस यही है बस यही है जैसे मार्था और मरियम लाजर की कब्र पर रुकी और उन्होंने कहा बस एथोता के इस तो कुछ नहीं है लेकिन ये सुने का मारथा और मरियम यहां तक नहीं है इससे आगे भी जिंदगी है और वो जिंदगी का नाम यीशु मसीह है और उसने उस लाजर को जिंदा कर दिया और लोग भी सोचते हैं मे भी शायद मर्द और, और, और औरत के मिलने से ही कोई इंसान पैदा होता है पूरी दुनिया के मसाहब के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है यसु मसीह खुदा की कदरत से पैदा हुआ है और ये हमें मुनफरत करता है और वो पाक है वह मलुदह मुखदस है और फरिश्ता कह रहा है होली स्पिरिट, क्या कह रहा है जी होली स्पिरिट, मरियम कह रही है होली स्पिर और जूई मरियम ने होली स्पिर जैसे उसने पाखरू को सुना वह समझ गई जैसे यूसुफ ने पाखरू का नाम सुना वो समझ गया क्योंकि पाखरू ने उनके जेनों का मुकाशवा खोल दिया उन पर मुकाशवा खोल दिया बहनों और भाइयों हम यस्सु को किसी इल्मी किताब के सबब से नहीं जानते हम यस्सु को दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु की प्रस्तृष नहीं करते यीशु को नहीं मानते लेकिन हम यीशु को मानते हैं क्योंकि एक रूह उसने हर बच्चर पर नाजल की है और उसका नाम पाक रूह है और उसने हमारे सेनों से पर्दा उठा दिया है हमने इस दुनिया की सच्चाई से पढ़कर एक बड़ी सच्चाई देखी है और उस सच्चाई का नाम यीशु मसीह है और हम पर यह मुकाशफा खुल गया है कि वही खुदा है वही रास्ता है वही आसमान है और वही इब्दी जिंदगी है और हम उसी की प्रस्तृष करते हैं अमेन लेकिन यह काम कौन करता है होली स्पिरिट पाखरू जैसा मरियम के साथ किया जैसा यूसुफ के साथ किया आज भी पाखरू करता है और जिस कलीसिया में जिस शख्स में पाखरू नहीं है उसका क्रिसमस भी पाक नहीं हो सकता उसका करदार भी पाक नहीं हो सकता उसका इस ईद को मनाना भी पाक नहीं हो सकता वो शराबी हो सकता है वो वो कबाबी हो सकता है वो झूठा हो सकता है वो बेईमान हो सकता है क्योंकि रोहल कुछ इस दिन का मुकाशवा खोलता है आम आम लोगों के लिए ये आम सी बात है उनके लिए ये महज एक ईद है जैसे दुनिया में त्यौहार होते हैं फेस्टिवल होते हैं और वो इसको ऐसे मनाते हैं कभी पटाखे बजाए शराबे पी खाना खाया अच्छे कपड़े पहने एंड दैट्स इट लेकिन राहुल कुछ काम कर रहा है कुछ ने जेनों को खोल दिया है और को बदल रहा है और बता रहा है कि यह खुदा का असली मुकाशवा है जो आसमान से उतरा होली भाइयों अगर आपकी जिंदगी रोहुल कुछ से खाली है तो यह देन आपके लिए कोई मायने नहीं रखता आप इसे रवायती तौर पर कर रहे हैं आपकी जिंदगी में यह टाइम टेबल बना हुआ है के इस दिन चौबीस की रात को मैं चर्च जाऊंगा और इबादत करूंगा कलाम सुनूंगा और घर जाऊंगा और फिर शराब पीऊंगा और देट सेट। लेकिन आपको और अगर आप पर यीशु का मुकाशवा खुल जाए तो और यह मुकाशवा खुले कि वो कौन है तो फिर आप दुनिया के लिए सवाल बन जाएंगे ये पतरस कौन है ये वही नहीं जो छेरा था ये ये यूसुफ कौन है फिर दुनिया पर सवाल करेगी कि ये कौन है और जान जाएगी कि इसके अंदर यीशु मसीह है जो दुनिया का कादर और उसके पास इख्तियार वर्ल्ड विल नो फिर दुनिया जानेगी इसलिए हमें रोहल की उसकी जरूरत है मैं चाहता आप दोबारा बोले पाखरू पाखरो सारे में कहा जा रहा है पाखरो खुदा करो और खुदा चाहता है कि ये पाक रू दुनिया में बढ़ता चला जाए सो इसलिए उसने कहा आखिरी दौर में हर बशर पर मैं अपनी रूह को अपनी रूह को क्या करूंगा जरा बुलंदाबाद में कहिए क्या करूंगा क्या करूंगा जी आप इतने सारे जरा अपने गलों को खोले क्या करूंगा आखिरी दिनों में अपने रूह को हर बशर पर नाजल करूंगा क्यों क्योंकि रोह खुदा का रू आकर यीशु के मुकाशफा को हमारी जिंदगियों पर खोल देगा सो so पहली बात मैंने बोली रोहलक उसके मुकाशफा को खोलता है नंबर टू रोहल पाक पाकरू पाकिसगी के मुकाशफा को खोलता है Holiness को पेश करता है पाकिस्गी को पेश करता है हालेलुया, लुया लुया यही बात यीशु को मनफरद बनाती है यूनिक बनाती है पहला काम रोहल कुछ कर रहे मुकाशवा खोल रहे जेनों को खोल रहे अकलों को खोल रहे और लोग कबूल कर रहे हैं यस्ु को और दूसरा काम पाकरू कर रहा है पाक कर रहा है पाक कर रहा है कर क्या कर रहे है जी पाकरू पाक क्या कर रहे पहला काम पाकरू क्या कर रहा है का मुकाशवा खोल रहा मेरे साथ ने उसने मरियम पर मुकाशवा खोले उसने यूसुफ पर मुकाशवा खोले उसने ज़क़रिया पर मुकाशवा खोले उसने लिशबा पर मुकाशवा खोले उसने फरिश्तों पर मुकाशवा खोले और मुकाशवा खोले उसने गैर कौमों पर मुकाशवा खोले रोहुल कुछ मुकाशवा खोल रहे और आपको शायद पता ये नहीं पता दुनिया में तेजी से लोग ये सुखो कबूल कर रहे हैं क्योंकि बाखरों की झुंबस दुनिया में बढ़ रही है और दुनिया के सुख जान रही है क्योंकि के ज़िम्मे है ये मेरे और आपके नहीं है हमारे ज़िम्मे होता हम दो घंटे काम करते छे घंटे तारीखी में भी वेरानगी में भी अंधेरे में भी पाखरू काम करता है सो so पहला काम पाखरू का क्या मुकाशवा खोलना बुलंदबाज से कह मुकाशवा खोलना पाखरू का पहला काम क्या है उसने मरियम पे खोला यूसुफ पे खोला और दूसरा काम है का पकीजगी 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 करना, पकीज़गी करना, पकीज़गी करना। मेरे बहनों और भाइयों, पकीजगी बड़ा खास काम है बड़ा खास काम बड़ा खास काम आप बातें गौर से सुना आखिरी बातें कोई तीन से चार मिनट की कौन खोलकर और ध्यान लगाकर इसे सुनिएगा आपका 2023 बदल जाएगा अगर आप इस बात को से सुनेंगे पहली बात आगे हैं दूसरी बात पाक आप आपको पाक करेगा, करेगा। क्योंकि बेटे को भी पकीजगी की हालत से पैदा किया है और वो कहता है कि वो मालूद मुकदस है हाल यह वो कैसे है कैसे है जी मालूद बुलंदवा बोलना कैसे है जी मालूद मुकदस है वो पाक है वो पाक है वो पाक है उसने उसको कामिल किया है कामेल किया है वो पकीजगी को जाहिर करता है पाक रो यूसुफ के जहन में नपाकी आ रही है वो सोच रहे मेरी बीवी नपाक हो गई है लेकिन फरिश्ता कह रहे नो ये नहीं है पाक रूह है पाक रूह है पाक रूह है पाक रूह है, रू है और उसका जहन बदल रहा है उसका माइंड चेंज हो रहा है और वो समझ गया और उसका माइंड चेंज हो गया और उसने कबूल किया कि खुदा का रूप पाक है खुदा का रूप पाक है और यीशु मसी के बारे में वो कह रहा है पाक रू काम कर रहे पाक रू काम कर रहे हैं सो याद रखे खुदा चाहता है कि हम भी पाक हों इसलिए वो हमें इस दौर में पाक दे रहा है।, पाक दे रहा है और हमें क्यों जरूरत है पाक होने की क्योंकि हमारा यीशु पाक है हम क्या शराबी रह कभी भी पर जा सकते हैं बुरे रह कर नो no. हमें पाक होना पड़ेगा क्योंकि खुदा पकीजगी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता खुदा का रूप पाक है हाल लुहिया यस्सु पाक है उसकी पदाइश पाक है उसका मुकदसा मरियम का हामला होना पाक है मुकदसा मरियम को उसने पाक किया है रोहल को उस पर नाजल हो गया है ये यूसुफ के बारे में उसने बताया उसकी सोचों को उसने पाक कर दिया है खुदा का यह मकसद है कि रोहुल कुछ आए, वो आप पर मुकाशफा खोले और आपको पाक कर दे आपकी सोचों को पाक कर दे आपके ख्यालातों को पाक कर दे आपके साल को पाक कर दे आपकी जिंदगी को पाक कर दे और आपकी जिंदगी में से नशे को बदी को दूर कर दे क्योंकि रोहल कुछ पाक है रोहल कुछ पाक है रोहल कुछ पाक है रोहल कुछ पाक है और वो पाक करता है खुदा पाक है खुदा पाक है खुदा पाक है और उसने पाकिजगी में ये सुमसी ने पाकिजगी में खुदा बाप बेटा और रोहल रोहलकुस डिविनिटी है खुदा बाप बेटा और पाकरू डिविनिटी है वो सलूस है वो कदूस है और वो अलूत से है वो डिविनिटी है और उसने अपनी पकीजगी के सबब से डिविनिटी को यूमिनिटी में बदल दिया है उसने डिविनिटी को यूमिनिटी में मिला दिया है उसने यूमिनिटी को डिविनिटी से मिला दिया है उसने इंसानियत को मसीत से मिला दिया है उसने इंसानियत को खुदा से मिला दिया है और इस यस्ू के बीच में इंसान और खुदा मिल रहा है ये यह मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा है और पाक की पकीजगी उस दूरी को खत्म कर रही है इंसान और खुदा के दरमियान गैप था बहुत गैप था बहुत फ़ासला था एक फासला था और उसको पकीजगी ने दूर किया पकीजगी हमारे और खुदा के दरमियान गैप्स को फासलों को ख़त्म करती है और हमें मिला देती है जैसे पकीजगी ने यीशु के अंदर खुदा को और इंसान को मिला दिया है और पकीजगी हमें मिला सकती है कुछ लोग कहते हैं हम नहीं खुदा को मिल सकते खुदा तो बहुत पाक है लेकिन जिनके पास यीशु है वो खुदा को मिल सकती है क्योंकि उसने उनको मिला दिया है आज हम खुदा से मिले हैं हालेलुया इसलिए जोश से इस क्रिसमस को मनाएं रूहानी जोश से गोश से नहीं रूहानी जोश से रूहानी जोश से इसे मनाएं क्योंकि उसने अपनी पकीजगी से हमें क्या कर दिया पाक कर दिया साफ कर दिया और सारे सवाल का जवाब दे दिया यस्ु वाहिद ऐसा इंसान है जो पाक तरीन है कहो कहो यस्सु वाहिद इंसान है जो पाक तरीन है एक दूसरे को कहो कोई शक नहीं है यस्सु मसीह पाख तरीन इंसान है के सिवा कोई पाक तरीन नहीं है यसु पाक तरीन है क्योंकि किसी इंसान के मिलने से वो पैदा नहीं हुआ वो पाक के वसीला से पैदा हुआ है और उसकी का लेवल इतना बड़ा है कि सुनो सुनो हम ये नहीं मैच करते हम ये नहीं कहते किसके पास कितनी इमारतें हैं कितना पैसा ये क्या वो क्या सु की पकीजगी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता वो पाखरू के वसीला से खुशी नहीं हुई जोर से बहन खुशी से पाखरु यु पाक तरीन है सुनो दुनिया कहती हो यसु का खून भी छिड़कते हो जो खुद पाक है उसका खून भी पाक है ये इंसान का खून नहीं है जो गंदा गंदा हो मैला मैला हो जिसमें चर्बी हो या कैस्ट्रोल हो यीशु का खून है जो पाक है जो अपने सुलभ से पाक है। तालियां बीच में लहर की तरह तो आती है, है। यस्सू के लिए बजा रहे हो गरम गरम तालियां यीशु पाक है यीशु पाक है कुछ पाक है वो पाक तरीन है इसलिए उसके दिन को हमने ना पाकी से नहीं पाकिजगी सेलिब्रेट करना है क्योंकि वो पाक है ये सुपाक है मैं सजदो पे इसलिए मंजूसियों ने भी सजदे कर दिए वो पाक है ये सुपाक है और जब मैं कह रहा हूं ये सुपाक है दुश्मन को गुसार है क्योंकि उसकी पकीजगी का कोई जोड़ तोड़ नहीं है उसके तोड़ का कोई नहीं है यह सुपाक है हाल लुया है दुनिया के लिए यही बहुत बड़ा जवाब है ये सुपाख है है, है, पाक है यह पाक है यह पाक और ऐसा पाक है ऐसे काम किसी ने नहीं किए जैसे यीशु ने किए क्योंकि ये, ये पाक है ये पाक और इतना पाक है बाकी सारे जाके इब्राहिम वापस नहीं आता यूसुफ कि उसकी हजूरी नहीं है वो इतना पाक है कि वो आज भी यहां पे मौजूद है हालेलुया, हालेलुया मरे हुओं की कोई साल गिरा नहीं मनाता यसु मरानी उसकी कब्र खाली और जिंदा और यहां पे मौजूद है और आपको देख रहा है कि आप किस जोश में आए हुए हैं। वो आपको देख रहा है एक एक बहन भाई के बच्चे के दिल से वो वाकफ है क्योंकि वो पाक है और जो इत, इतना पाक है इतना पाक है इतना पाक है इतना पाक है कि सूरज की रोशनी भी उसके आगे मध्यम है यस्सु पाक है मैं तो मुंह खोल खोल के जितना खुल सकता है कह रहा हूं यशुपाक है यह दुनिया की सबसे बड़ी मुनादी है यश्सुपाक है हले इतना पाक है कि उसकी कोई शादी नहीं हुई और किसी इंसान का उसके साथ मेल नहीं हुआ वो इतना पाक साफ है कि वो पाक है उसके छूने से बीमार शिफा पाते हैं ये पाक है उसके छूने से कोड़ी शिफा पाते हैं इतना पाक है कि वो मुर्दे को भी बुलाए तो वो जी उठता है वो इतना पाक है कि अगर कोई पाक बने तो उसके और उसके दरमियान फासला खत्म हो जाता है उसकी पाकिजगी क्या के सारे खामोश हो जाते चुप लग जाती है उसकी की दुनिया के लिए चैलेंज है अमेन सो so, आप भी पाक बन के दुनिया को चैलेंज दें पाक बनकर चैलेंज दें मुकदम ठहरे और आप खुदा में बढ़ते चले जाएंगे बढ़ते चले जाएंगे और दोबारा इस जुमले को धुरा रहा हूं लेसन वेरी केयरफुली वेरी केयरफुलई इंसान और खुदा के दरमियान गैप है दोबारा धुरा रहा हूँ इंसान और खुदा के दरमियान गैप है right? मैं इस पास को खड़ा करता हूं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मैं ये नहीं कह रहा यही खुदा है मैं मिसाल दे रहा हूं अगर ये खुदा है और ये इंसान है और इसके और इसके दरमियान गैप है किस चीज का गैप है किस चीज का फासला है पकीजगी का वो पाक है और इंसान नापाक है डू यू नो इस गैप को किसने आके खत्म किया खुदा और इंसान के दरमियान उधर से पकीजगी ली और इधर से इंसानियत ली मिलाकर कहा देर इज नो डिस्टेंस अब हम एक है डू यू नो डू यू नो लोगों ने कहा आपने कहा देखा आपने तो यीशु को देखा यीशु ने कहा इधर चेहरा करके जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा किसने कहा किसने कहा यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने तो किस देखा किसने देखा यीशु को आमीन में किसने यीशु को छुआ है आप में से कौन कौन है यीशु ने आपको छुआ या आपने यीशु को छुआ कौन कौन है हाँ जी हाथ पूरा उठाए शको शपात नौ गवाह आपको यसु ने छुआ या आपने यसु को छुआ तो फिर आपने किसको छुआ खुदा को उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, बाप को देखा है बाप को देखा है बाप को देखा है उसने सारी जुदाई को खत्म कर दिया और मैं आपको बताऊं आपको बताऊं कोई कहता है ए नो नो नेक नेकबंध तो फरिश्ता नहीं है कहते हैं ना लोग बाजी कहते हैं कि नहीं बड़ा वड्डा तू आया है फरिश्ता लग गए ना आपको पता है यस्सू की पकीजगी का जो मयार है वो फरिश्तों की पकीजगी से भी ऊपर है तो मुस्कराते हुए यसू की पकीजगी का मैार किनसे बढ़कर है किनसे फरिश्तों से किन से बढ़कर है फरिश्तों से, से। क्योंकि फरिश्ते क्या है खुदा के कदमों तले फरिश्ते भी उसके कदमों तले हैं उसका मैार बड़ा है की पकीजी का मैार उससे भी बड़ा है कि फरिश्ते उसकी खिदमत के लिए आते हैं और एक और बात सुनो आखिरी बात सुन रहे हो फरिश्तों की पकीजगी और, और है और यस्सू की पकीजगी और है फरिश्ते फिर भी डंडी मारते जैसे लूसीफर ने मारी, लेकिन यस्सु नहीं इतना पाक है आपको पता है उसने मुझे और आपको पाक कैसा किया अब जब उसने अपने लहू से हमें पाक किया है तो हमें फरिश्तों से भी ज्यादा पाक किया है अब हम फरिश्तों का भी इंसाफ करेंगे ये नवी गल नहीं है ये बाइबल दे विच लिखे है कि तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे हालेलुया हालेलुया कुछ लोग कह रहे हो तो बात तो तुसी ना करो उसके लहू ने मुझे पाक किया है और उसने कहा कि तुम अब नीचे नहीं बल्कि मेरे साथ मेरे तख्त पर बैठोगे और फरिश्तों का भी इंसाफ करोगे ये म्यार मैंने खुद नहीं लिया मेरे यस्सु ने मुझे दिया है आमीन तो तभी तो एक शायर ने कहा बाह यीशु ने मेरी आमीन उसने हमें घूरे से उठाकर अपने साथ तख्त पर बिठा दिया है हाल लुइया हालया उसने इस कदर हमें पाक किया है कि हमें फरिश्तों से भी ऊपर दर्जा देता है और हमें पाक करता है Are watching CTN television of Pakistan. Catch the nations.